मगध साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धननंद को अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेलूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जॉन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रवाहु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में कायाक्लेश के द्वारा प्राण त्याग किया। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर, मदिरा तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित धम्म के लिए विश्वविख्यात है। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। कलिंग के साथ हुए युद्ध में भारी रक्तपात को देख अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ धम्म नीति का पालन किया। अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में उपगुप्त से उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो बाद सूत्र से ली गई है। अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने शासकीय एवं राजकीय आदेशों को शिलालेखों पर खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किया। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक तथा ग्रीक लिपि में हैं। अशोक के शिलालेखों का पता सर्वप्रथम टी फेंथेलर ने लगाया तथा इसे पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 बताई गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी मिलती है।